दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बैंक ऑफ बड़ौदा के आपके अकाउंट्स में कौन सा ईमेल आईडी दिया गया है, आप कैसे पता कर पाएंगे। जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा में आपका अकाउंट है, खाता खुलवाए हैं, और भी आपको नेट बैंकिंग वगैरह आप जो यूज कर रहे हैं तो इसमें आपको पता करना है कि आपका कौन सा ईमेल आईडी आपके बैंक में दिया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा आपके अकाउंट्स में कौन सा ईमेल आईडी जुड़ा गया है, कौन सा ईमेल आईडी आप दिए थे जब खाता खुलाते समय, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कैसे आप पता कर पाएंगे। और आपको याद नहीं कि कौन सा ईमेल आईडी अपने खाता खुलवाते समय अपने खाते में ईमेल आईडी दिए, तो कैसे आप पता कर पाएंगे कौन सा ईमेल आईडी दिए हैं, पूरा ईमेल आईडी आप पता कर सकते हैं। तो वीडियो पूरा वॉच करना होगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट्स में ईमेल आईडी कौन सा दिया गया है पता करने के लिए आपको एक नंबर आपके यहाँ डिस्प्ले पर साइड में देख सकते हैं। इस नंबर के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से आप पता कर पाएंगे कि आपके अपने अकाउंट्स में कौन सा ईमेल आईडी दिए गए हैं, कौन सी ईमेल आईडी जोड़ा गया है। तो जैसे कि इस नंबर को आपको अपने कॉन्टैक्ट में सेव करना होगा, जिस नंबर दिया गया है सेम वैसे ही आपको अपना नंबर अपने कॉन्टैक्ट में शेयर करना होगा। जैसे कि डायल करते हैं किसी भी व्यक्ति का नंबर, वैसे ही आपको कॉन्टैक्ट में सेव कर लेना होगा। व्हाट्सएप के जरिए आप अपना जो अपने ईमेल आईडी पता कर पाएंगे कौन सा आपके ईमेल आईडी अपने अकाउंट्स में दिया गया है। तो सबसे पहले इस नंबर को आपको सेव करना होगा अपने कॉन्टैक्ट्स में, उसके बाद आप अपना व्हाट्सअप ओपन करिएगा। जैसे व्हाट्सअप ओपन करते हैं उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, आपको यहाँ न्यू चैट वाला ऑप्शन जैसे लेते हैं किसी का दोस्त का, तो इस वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करके अपना न्यू चैट यहाँ से ओपन कर पाएंगे। और यहाँ अपना जो बैंक ऑफ बड़ौदा के नाम से इस नंबर को आपको साइड में दिख रहा होगा, इस नंबर को आपको सेव कर लेंगे। ठीक है, अब इस नंबर को आपको यहाँ खोजेंगे, सर्च करेंगे तो ये नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ लिखेंगे तो ये नंबर आपको मिल जाएगा। जैसे इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का ये जो व्हाट्सअप बैंकिंग ओपन हो चुका है। यहाँ से आप अपना जो ईमेल आईडी पता कर पाएंगे कौन सा अपना बैंक अकाउंट में अपना ईमेल आईडी दिया गया है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको मैसेज में हाय लिखना है, हाय यहाँ टाइप कर देते हैं, जो कि देख सकते हैं मैंने हाय यहाँ टाइप कर दिया है। उसके बाद देख सकते हैं आपके सामने ऑटोमेटिकली उधर से बहुत सारा आपको मैसेज मिल जाएगा। यहाँ से अपने अकाउंट का बैलेंस, मिनी स्टेटमेंट, फास्ट टैग बैलेंस, बहुत जानकारी आप यहाँ ले सकते हैं। तो व्हाट्सएप बैंकिंग माध्यम से और भी आप बहुत जानकारी ले सकते हैं। तो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना जो पता कर पाएंगे कौन सा ईमेल आईडी आपके अकाउंट्स में दिए गए हैं। तो इसके लिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ सबमिट, ठीक है, देख सकते हैं इस सबमिट वाला आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपके सामने और भी यहाँ नीचे जानकारी ओपन हो चुका है, यहाँ से और भी आप अपना जानकारी ले सकते हैं। तो आपको सबसे फर्स्ट में एक ऑप्शन दिख रहा होगा अकाउंट्स, डेबिट कार्ड, चेकबुक, डिपॉजिट, डिजिटल चैनल, इस वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे कि मैं इस पर आप क्लिक कर देता हूँ, जैसे इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको एक सेंड का ऑप्शन दिखेगा, इस सेंड वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद इधर से ऑटोमेटिकली एसएमएस सेंड हो जाएगा, फिर से उधर से ऑटोमेटिकली एसएमएस जनरेट हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं फिर से आपको सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, इस सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपके सामने और भी जानकारी यहाँ ओपन हो चुका है, सबसे फर्स्ट वाला जानकारी पर आपको क्लिक करना होगा। अकाउंट्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस अकाउंट्स वाला ऑप्शन पर क्लिक करके आपको सेंड करना होगा। उसके बाद फिर से ऑटोमेटिकली उधर से एसएमएस आना शुरू हो जाएगा, देख सकते हैं फिर से आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद देख सकते हैं आपके सामने एक ऑप्शन दिख रहा होगा, तीन नंबर में आपको ईमेल आईडी, ठीक है, नीचे आपको ईमेल आईडी ऊपर लिख रहा है, उसके बाद नो योर रजिस्टर ईमेल आईडी आपको लिख रहा होगा, तो इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करके आपको सेंड कर देना होगा। उसके बाद देख सकते हैं फिर से उधर से ऑटोमेटिकली आपका ईमेल आईडी आ जाएगा, देख सकते हैं आपका ईमेल आईडी आपको यहाँ शो कर रहा होगा, मैंने सिक्योरिटी जानकारी इससे हाइड कर दिया है। देख सकते हैं आपका जो भी ईमेल आईडी दिया गया है, आपके ईमेल आईडी इन्फो लिखा है, उसके नीचे आपको ईमेल आईडी आपको यहाँ पता चल गया है कि कौन सा आपके अकाउंट्स में ईमेल आईडी ऐड है, कौन सा आपने ईमेल आईडी अपने अकाउंट्स में दिया है, पूरा ईमेल आईडी से आपको यहाँ शो कर रहा होगा। तो बस इसी स्टेप को फॉलो करके आप अपना जो ईमेल आईडी पता कर सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट्स में कौन सा ईमेल आईडी दिए गए हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ और जानकारी चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करें, वहाँ से मैं आपको तुरंत रिप्लाई दे दूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली।